साथ सर मेरा कोरोना महामारी के बीच आपके क्षेत्र में एक मेडिकल का ओपनिंग किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे प्रथम तो मैं जतिन भाई शाह और बाकी उनके सभी भाई बहन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और अक्षय तृतीया की भी सबको शुभेच्छा देना चाहता हूँ। आज वी केयर करके उन्होंने जो एक मेडिकल शॉप चालू किया है, लेकिन ये नॉर्मल मेडिकल शॉप नहीं है, तो ये एक्चुअली यहाँ के लोगों के लिए मेडिकल केयर सेंटर जैसा काम करेगा। किसी को एम्बुलेंस चाहिए, किसी को डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भी आपको यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मुझे लगता है कि अपने आप में ये बहुत बड़ी कल्पना है और इसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ और उनको मैं मेरे क्षेत्र में इस प्रकार का एक सेंटर चालू करने के लिए दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। कोरोना महामारी के बीच मेडिकल का ओपनिंग हुआ है, लोगों से कितना मदद मिल सकेगी इस मेडिकल से? ये मेडिकल से जैसे मैंने कहा कि इधर सिर्फ दवाई मिलेगी तो ये और एक दुकान जैसा हो जाता था, लेकिन इनका नाम ही है वी केयर। एक तो पहली बात, हर दवाई के ऊपर 20% डिस्काउंट ये देने वाले हैं, और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ दवाई नहीं मिलेगी, मेडिकल को लेकर बाकी जब सब जानकारी है, एम्बुलेंस कहाँ मिल सकती है, कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, यहाँ से लेकर एक जिसको टेली कंसल्टेशन कहते हैं वो टेली कंसल्टेशन भी यहाँ से होगा। तो ये मेडिकल शॉप नहीं है, एक मेडिकल सर्विस का सेंटर है और इसके लिए लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली। सर, जिस तरह कोरोना महामारी के बीच जतिन सर ने मेडिकल का ओपन किया है, उनको क्या बधाई देना चाहेंगे? मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसे समय पर, कोविड के समय पर जब लोग अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, ऐसे इसमें उन्होंने सेवा के भाव से लोगों को मदद करने के दिशा में एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको शुभेच्छा। कोरोना काल चल रहा है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे रहें? कोरोना काल में मैं इतना ही कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, डबल मास्क पहनो और बार बार हाथ सैनिटाइजर से धोने का काम करो, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद भी ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड अप्रोप्रिएट प्रोग्राम ये करना अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना हम कोरोना के ऊपर मात नहीं कर सकते।